तेजी से मिल जाते हैं। कोई बच्चा इतना सा है, कोई इतना सा है, कोई इतना सा है, माँ बाप छूट जाते हैं। क्या किसका प्यार मिला उनको, हमको किसका प्यार मिला, न माँ का न बाप का न भाई। मेरे गुरु अंगूर भाई बहुत अच्छे थे, किसी के माँ बाप भी नहीं होंगे जैसे मेरे गुरु थे। मैंने 20 साल उनकी सेवा करी, पलंग के ऊपर रखे रहे, कोई अपनी औलाद भी नहीं करेगी आज के जमाने में। मामा सरकार ने हमें कोई सुविधा ही नहीं दी आज तक, वोटर कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं है, ना राशन मिलता है हमको, कोई सुविधा नहीं मिलती है। ग्वालियर में प्रद्युम्न भाई साहब को जानते हैं, वो ही हमारी मदद करते हैं हर तरह से। कुछ हम लोगों के लिए भी, हमारे बुढ़ापे के लिए सोच लें मोदी जी, तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाज में एक ऐसा तबका जो न इधर काउंट होता है न इधर काउंट होता है, और समाज उसी हिसाब से तिरस्कार की नज़र से देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। इस समय हम हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में एक ऐसी जगह पे जिसकी एक दीवार दूसरे वार्ड में आती है और दूसरी दीवार दूसरे वार्ड में। यदि कॉलोनी की कोई समस्या हो तो विधायक कहता है कि दूसरे के पास जाओ, दूसरा विधायक कहता है कि उसके पास जाओ। ठीक यही हाल पार्षदों का है। तो यहाँ के लोग इस द्वंद्व में फंसे हुए, दो के चक्कर में फंसे हुए हैं। वैसे भी किन्नर समाज की ज़िंदगी कितनी संघर्षपूर्ण होती है किसी से छिपी नहीं है। क्या है इनके पास आय का सोर्स सिवाय मांगने के? एक ऐसे ही किन्नर समाज के वरिष्ठ गुरु से मुलाकात हुई। उनकी जीवन गाथा बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि उन्होंने जीवन में कैसे संघर्ष किया, कैसे अपने बहन के परिवार को आगे बढ़ाया, पाला पोसा, और कैसे उनको छोड़ करके उनके शिष्य चले गए तो अकेले संघर्ष कर रही हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी भाई किन्नर जी, जलाल खां की गोल के रहने वाले। मैं अपनी गुजर बसर करता हूँ, मांगता था खाता हूँ, मेरे पास बस्ती है, बेड़ा है, जितना मुझसे बनता है मांगता खाता। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? मुझे यहाँ 50 साल हो गई। आपकी उम्र? मेरी 65 साल की उम्र है। आपने अभी तक कितने शिष्य बनाए? मेरे शिष्य तो मेरा है एक है, और तो फिर आते जाते रहते हैं, आज इस शहर में कल उस शहर में, जो मेरे पास है वो मेरा शिष्य है। आप ओरिजिनली मतलब मूलतः कहाँ के रहने वाली? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यही मकान? यहीं का रहने वाला हूँ, ग्वालियर का ही। अच्छा। पर ये है, अपने माँ बाप से छोड़ के अपने आके, फिर अपने जो समाज में अपने ग्रुप में जो आया, मैं 20 बरस हो गए मुझे आए। 20 बरस छोड़े उन उम्र से छोड़ के उनको इधर आए। अच्छा। हाँ। इसके बाद आपका संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष तो उसके पहले भी रहा होगा जब आप परिवार में रहे होंगे, तो क्योंकि परिवार के लोग भी दूसरे नज़र से देखने लगते हैं। तो जब यहाँ आ गए तो अपने बहन के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया? बहन के बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाया कि जब मेरी माँ ख़त्म हो गई, मेरे बाप पहले ही ख़त्म हो गए थे, फिर मेरी दो बहन थी छोटी छोटी, उनको देखा जवान होते हुए, दुनिया की आजकल नज़रें ख़राब, तो अपनी बहन बच्चों को अपने साथ रखे, उनका शादी करे, ब्याह करे, उन्हें अपने घर पठाया, और फिर उनके बच्चों के बच्चों की शादी करी, वो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं भी उनके सहारे हूँ, वो मेरे सहारे हैं। तो ये आपका ही मकान है? ये मेरा मकान है। तो अभी तक आपका नाम वोटर आईडी में नहीं जुड़ा है? वोटर आईडी में मेरा पुराना नाम जुड़ा हुआ है, मेरे गुरु के ज़माने का। भी मेरे चेले आए हैं, आते हैं जाते हैं, तो वो वोटर कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं है, ना राशन मिलता है हमको, कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलता है? कुछ भी लाभ नहीं है सरकार का मुझे। ये जो मामा जी जो है महिलाओं को देते हैं 1,000 रुपये, वो भी नहीं पहुँचता आप तक? हमारे पास कुछ नहीं। क्योंकि अब क्या किया है सरकार ने कि किन्नर समाज को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता भी दे दी है, वोटर आईडी में नाम भी जुड़ गया है वोटर लिस्ट में, इसके बावजूद आपका नाम अभी तक नहीं जुड़ा? हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। वो मामा जी बांट रहे हैं, मालिक उनको खूब देखो बांटे, मामा जी जय जयकार रहे मेरे मोदी जी की। पर ऐसा कुछ हमारे लिए भी तो सोच लें मोदी जी, हम लोग क्या करेंगे, जवान तो अपने कहीं भी जाके मांग खा लेंगे, हम किसी की नौकरी कर नहीं सकते हैं, झाड़ू पोछा लगा नहीं सकते हैं, कोई हमको दुकान पर नौकरी रखेगा नहीं। कुछ हम लोगों के लिए भी, हमारे बुढ़ापे के लिए सोच लें मोदी जी, तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, जय भारत जय हिंद। तो ये है इनकी संघर्ष गाथा। बेशक ट्रेन में, बस में, चौक चौराहों पे जब मुलाकात होती है तो हम और आप भी मुंह फेर के चल देते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। इनके दर्द को जब हम समझेंगे तब पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है इनका। लेकिन किन्नर समाज में किसकी बयार है, वो किसको चाहता है, ये जानने और समझने के लिए हम आ गए किन्नर समाज के गुरु साधना नायक के पास। उन्हीं से जानते हैं कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचा है
और वो अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहती हैं? हाँ नमस्कार सर, हिंदुस्तान वासियों को सबको नमस्कार, सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारी तरफ से हम किन्नर समाज की तरफ से जितने भी हमारे किन्नर समाज है सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हम लोग तो सभी का भला चाहते हैं, ना हमारे लिए कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, हमारे लिए सारे एक समान हैं। हमारे कोई व्यर करना नहीं किसी से, सब हमारे भाईचारा, और सबसे हमको कमाना भी है और खाना भी है और सबके घर जाना। मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, उनमें से किसी योजना का लाभ आप लोगों को मिलता है? नहीं, हमें तो आज तक कोई लाभ मिला नहीं है। ग्वालियर के किसी भी किन्नर को नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला किसी चीज़ का नहीं। और तो और हमारे को कोरोना काल में भी नहीं मिला कुछ भी। तो यदि अब आया है, मौका आया है, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि पब्लिक के मत का जो है वो मूल्य होता है, जिसको चाहे रखे जिसको चाहे हटाए। आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपके समाज के लोगों का नाम है? हाँ, हमारे चेले का है, हमारे ने वोटर हम वोट डालते हैं बाकायदा, जिसको हमारा दिल पार्टी को दिल करता है उसको हम वोट डालते हैं। हमारा फिक्स नहीं है कोई भी कि ये ज़रूरी फिक्स हो, हमको इसने सुविधा दिया कि नहीं दिया, हम इसको नहीं देखते हैं। तो इस बार क्या इरादा है, क्योंकि मामा को 18 साल लगभग राज करते हुए हो गया, आप लोगों का समाज क्या सोचता है इस सरकार के बारे में या जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनके बारे में? हमारा समाज तो सभी पार्टियों को भला चाहता है, किसी को बुरा नहीं चाहता है। और हमारे तो जो हमारे काम आते हैं, प्रद्युमन भाई साहब काम आते हैं, हमारे पास में रहते हैं, और हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती तो हम चले जाते हैं, बेचारे हमारी मदद करते हैं, किसी भी बात से हो तो मदद करते हैं हमारी, जो मना नहीं करते किसी चीज़ का। मामा की सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? मामा सरकार ने हमें कोई सुविधा ही नहीं दी आज तक, और ना कभी आए। हमारे तो हम तो सिर्फ ग्वालियर में प्रद्युमन भाई साहब को जानते हैं, वो ही हमारी मदद करते हैं हर तरह से। अच्छा, ग्वालियर के बारे में ये बताया गया कि जो आपके समाज ने फैसला किया है कि हम बस में, ट्रेन में या कहीं सड़क के चौराहे पे कुछ भी नहीं मांगते हैं, जो शादी ब्याह होते हैं या बच्चे होते हैं तभी जो नेक मिलता है उसी से काम चलाते हैं, इसको लेकर के जो नकली किन्नर समाज पैदा हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? आप लोगों ने क्या फैसला किया? नकली किन्नर पैदा हो रहे हैं वो हमको बहुत दुखदाई हैं, बहुत परेशानी है हमारी, उनसे बेइज्जती होती है। पर हम लोग कभी भी ट्रेन मांगने नहीं जाते हैं, हम तो हमारे शादी होगी या बच्चा होगा जब ही जाएंगे, चाहे भूखे रहें या प्यासे रहें। ज़्यादा होगा तो होली दिवाली अपने जो मिल 100 मिले 50 मिले जो हमारे नसीब का होगा, कोई ने 200 भी दे दिया, कोई ने 50 भी दे दिया, कोई ने मना भी कर दिया नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, अभी नहीं फिर दे देना। हमारा तो ऐसे गुजारा चलता रहता है। पर हम ट्रेन में कभी मांगने नहीं जाते, हमारे जितने भी लश्कर ग्वालियर में डेरे वाले हैं, लश्कर में भी हैं, ग्वालियर में भी हैं, मुरार में भी, हम लोग रेल मांगने कभी आज तक कोई भी नहीं गया, न जाते हैं और न जाएंगे। हम लोग गद्दी वाले हिजड़े हैं, इसलिए हम कभी किसी के यहाँ नहीं जाते ऐसे। तो ये है साधना नायक, जिनका कहना यह है कि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन तक नहीं पहुँचा है। हाँ, इनके विधायक से ज़रूर है कि जब कोई दिक्कत आती है तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास पहुँच जाते हैं या वो आ जाते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन मामा की सरकार से ये लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। थैंक यू।